नमस्कार सत श्री अकाल दादा, मैं सोहेल सभी गाजियाबाद और आप देख रहे हैं न्यूज स्पीक। अभी मेरे पीछे जो है ये है गाजियाबाद में स्थापित केला बट्टा शहर के बाद में जहाँ पे तो पार्षद है जाकिर सैफी, उनके द्वारा बनाया गया ये म्यूजिकल फाउंटेन। ये वक्त के साथ में म्यूजिक के साथ में अपने रंग चेंज करता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ कभी यहाँ पर कूड़े का ढेर हुआ करता था, नाले का रास्ता हुआ करता है, यहाँ पे अतिक्रमण हुआ करता था, लेकिन जातीय सभी द्वारा ये चीजें सब हटाई गई और यहाँ पर नगर निगम और जातीय सभी द्वारा यहाँ पर सौंदर्यकरण का काम हुआ। इस प्रोग्राम में मेयर आशा शर्मा भी मौजूद रही है। हम आपको दिखाएंगे कि मेयर आशा शर्मा ने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहा और मेयर आशा शर्मा से आपके पत्रकार न्यूज स्पीक ने क्या सवाल किए। मैम, अभी फिलहाल गाजियाबाद अपने सौंदर्यकरण के बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, इस चीज में आप कुछ क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन शुरू हुआ है गाजियाबाद वार्ड नंबर 95 में जाकिर सैफी द्वारा, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, गाजियाबाद नगर निगम ने वो चीज करके दिखाई जो उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व काम है। स्वच्छता मिशन का काम हो या कोई भी काम हो, उसमें हम हमेशा नंबर एक पर आए हैं। और हमारा ये जो आज हमने यहाँ PSC चौक का सौंदर्यकरण कराया, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय पार्षद जाकिर शैफी जी का बहुत बड़ा इसमें हमें योगदान मिला। आपके अथक प्रयासों से न केवल फाउंटेन बल्कि नगर निगम के माध्यम से बहुत आपके क्षेत्र का विकास हुआ और हम लोग चाहते थे कि इस फाउंटेन को एक ऐतिहासिक फाउंटेन बनाए। कारण ये था कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और हमारे अशफाक उल्ला जी, तीनों ने काकोरी कांड का जो हिस्सा था वो इसी यहीं से, उन तीनों ने आपसी गंगा जमुना तहजीब को मनाते हुए, आपसी भाईचारे को निभाते हुए, ब्रिटिश ने एक दूसरे के प्रति सबको बहुत भड़काया लेकिन ब्रिटिश सरकार को धता देते हुए जो उन्होंने सोना लूटा, सारा लूटा क्या, जो उन्होंने अपनी देश के रक्षा के लिए उस ट्रेन को रुकवाया और वहां से सब कुछ करा, इसलिए मैं चाहती थी कि इस तहजीब को बरकरार रखें और यहां एक अच्छा सा माहौल होए, अच्छा सा वातावरण बने, शाम को लोग घूमें तो रंग बिरंगे लाइटों को फुव्वारे का आनंद लें, लाइट जले, सब कुछ है। इसी कारण ये नगर निगम के माध्यम से जाकिर जी के प्रयास से और हमारे नगर आयुक्त जी ने, क्योंकि बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था लेकिन आपके कर कमलों द्वारा, कहते ना जिसका समय जब होता है, हमारे नितिन जो नगर आयुक्त आए हैं इनके समय में इसका बहुत अच्छा मान उद्घाटन किया। मैं इसके लिए अपने नगर निगम को बहुत बहुत उनका एहसान मानती हूँ। अभी क्या चीज़ है कि वार्ड नंबर 95 में सौंदर्यकरण का काम शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 95 है, वार्ड नंबर 93 है, वार्ड नंबर 92 है, ये तीनों वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम आबादी में आते हैं, तो इसमें आगे क्या सौंदर्यकरण नीतियाँ होने वाली हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पार्कों की संख्या कम है, हम चाहते हैं कि जहाँ भी हमें कुछ ऐसी जगह मिले तो कम से कम हम मियावाकी के माध्यम से वृक्ष रोपें, जितने हम पेड़ लगाएंगे हरियाली रहेगी, पार्क बनाएंगे, हम अतिक्रमण हटाएंगे, अतिक्रमण को हटाना भी एक बहुत बड़ा सौंदर्यकरण है और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि सबको, हम सबके लिए ही स्वास्थ्य है, चाहे कोई भी हो, हर समाज के लिए स्वास्थ्य बहुत अमूल्य ध्यान रखता है और जहाँ भी हमें जगह मिलेगी हम इसको एक अच्छा हरियाली के तौर पे विकसित करेंगे और एक अच्छा क्षेत्र बना के इसको पूरा प्रयास करेंगे। एक मुंगेरी लाल का सा सपना था और नगर निगम के समस्त अधिकारियों ने, समस्त कर्मचारियों ने जिस मेहनत और लगन से मैंने इनसे अनुरोध किया, उसी ईमानदारी के साथ इन्होंने मदद की और यहाँ से अतिक्रमण हटाकर ये 1990 में उस समय के चेयरमैन साहब थे, माफियाओं से पैसे लेकर यहाँ कूड़ेदान दिया था, उस कूड़ेदान को माननीय महापौर जी ने, नगर आयुक्त जी ने और नगर निगम की टीम ने हटाकर एक सुंदर पार्क यहाँ बनवाने का काम किया है। मैं जिंदगी भर जब तक इस धरती पे जीऊंगा नगर निगम के तमाम अधिकारियों का, माननीय महापौर जी का और पूर्व के जितने नगर आयुक्त रहे हैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनका एहसान मैं जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। तो मेरी कौम के लोगों के लिए, मेरी कौम का मतलब मैं एक जाति विशेष का नहीं हूं, मैं संविधानिक पद पर हूं, मेरी कौम के चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हों, मेरे लिए सब बराबर हैं। और उसी के मैं यहाँ एक तरफ विश्वनाथ मंदिर है मेरे क्षेत्र में, दूसरी तरफ केला मस्जिद है, यहाँ पीछे मरकज मस्जिद है, यहाँ सामने वाल्मीकि समाज का मंदिर है, मेरे लिए सारे धर्म जो है
समान है, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ और सभी धर्मों की मैं इज्जत करता हूँ और कोई धर्म आपस में हिंदू मुस्लिम बैर नहीं सिखाता। ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है, एक तब मंदिर को रास्ता जाता है, एक तब मरकज मस्जिद को रास्ता जाता है और देश के क्रांतिकारी सैयद अशफाकुल्ला खान साहब के नाम पर ये फाउंटेन बनाया गया, चौराहा रखा गया। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम लोग आप लोगों से अपने मन की बात करते हैं, उससे भी इस वजह से करते हैं, सैयद अशफाकुल्ला जैसे लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग, सरदार भगत सिंह जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, कुर्बानी दी है। हम उनका जिंदगी में ऋण नहीं उतार सकते, नहीं तो अंग्रेजों के सोटे हम झेल रहे होते, हमारी नस्लें और हम उन्हें भूल जाएंगे, हमारी नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। जब देश की आजादी की जंग चल रही थी, देश के क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, अपने प्राण निछावर कर रहे थे देश के लिए, उस टाइम एक वर्ग ऐसा था जो देश की सत्ता के लिए बैठा था, वो इस आस में बैठा था कि ये क्रांतिकारी जब शहीद हो जाएंगे, देश आजाद होगा तो हम राज करेंगे। लेकिन क्रांतिकारियों ने देश की जनता का भला सोचा, देश के लिए सोचा, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है हमारे देश की जनता को, जो देश के बारे में नहीं सोचते उन भ्रष्ट नेताओं से भी सावधान रहना चाहिए, वो किसी भी दल के हो चाहे। जय हिंद, जय भारत। गाजियाबाद नगर निगम माननीय महापौर महोदया के नेतृत्व में निरंतर ही सौंदर्यकरण के लिए प्रयासरत है। जैसी भी हमारी परिस्थिति है उसके हिसाब से हम आवश्यकता के हिसाब से सौंदर्यकरण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें इंक्रोचमेंट रिमूवल, सड़कों का निर्माण और पार्कों का ब्यूटिफिकेशन इत्यादि काम शामिल हैं। अब क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है और इसमें हर प्रत्येक वार्ड में कई कई सारी गलियां हैं और हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सभी को एक साथ मीटअप कर पाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। आप देख रहे हैं दोनों पार्षद भी हैं, तीन पार्षद हैं, दोनों वार्डों का वार्ड नंबर 93 और 92 का हमेशा से ये रहा है कि नगर निगम उनके प्रति जो है ध्यान नहीं देता, उस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं इसका खंडन करना चाहूँगा और साथ ही बताना चाहूँगा कि जो कॉन्फ्लुएंस के वार्ड्स हैं 92, 93, 95, ये भी गाजियाबाद नगर निगम के ही वार्ड्स हैं, ये भी हमारे ही वार्ड्स हैं। यहाँ के क्षेत्र की जनता का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि विकास के कामों की संख्या, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ही अत्यधिक है, एक साथ सभी कामों को अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम हर रिक्वायरमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें पूरा कराते हुए चल रहे हैं। जी नगर निगम मैं आपको बताना चाहूँगा कि 36 डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आपको पता ही है जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, इसके अलावा निर्माण की विभिन्न योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े का, और इसके अलावा उद्यान की योजनाएं, डेयरी का रेगुलेशन, लाइसेंस फी, ट्रेड फी, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, तो वो सारी इन वार्ड्स में जिनके आपने नाम लिए उनमें भी यथावत लागू है।